हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम जनाब। मैं शेख इम्तियाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख व्लॉग चैनल बैठ। सुबह बखैर जनाब। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज अपनी किरण काढ़ रहा है बाहर जनाब, तो कणकां बिल्कुल रेडी ने। रूटीन व्लॉग जनाब, दूसरा व्लॉग है, तो चले हाँ अपनी ड्यूटी से। ड्यूटी केड़ी है वो चल के थोड़ा विखाने। उस तो पहले जेड़े भाई नाल तक मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब कर लो, तो नाल ही घंटी के निशान आलत कर दो, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सब तो पहले तक पहुँच जाएगा। तो जनाब चलते हैं वीडियो तरफ, व्लॉग तरफ। चैनल जरूर सबसक्राइब करना, वीडियो पूरी वॉच करनी जनाब। तो मेरे वीडियो थोड़ा किमें लगी है जरूर दसना। चलते हैं वीडियो तरफ। जी जनाब पहुंच गए फाइनली जनाब, अपने काम पे, अपने ड्यूटी सर अंजाम देने पे। तो आपको शायद कल बताया था कि पीटर यहीं पे छोड़ गए थे हम, तो ये पड़ा है, इसको साथ नहीं लेके गए थे, क्योंकि आपने जिस भाई ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसको सब पता चल गया होगा कि कितना जलालत प्रोग्राम था इसको यहाँ पे फिट करने का। तो इसको यहीं पे छोड़ गए थे, इसका चिंता यही है भाई कि कोई चोरी ना कर ले बस। पहले भी मेरा वो नलका सामने लगा हुआ है, मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था, तो उसका सीन ये बना है कि किसी ने उसका सारा सामान निकाल लिया है भाई। मैं तो सिर्फ लगा के रखा है, यहाँ पे पानी शानी पी लेता है बंदा, या जब ट्यूबवेल में बोर में पानी डालना पड़ता है तो कहाँ से जाए बंदा भर के लाए पानी, ठीक है ना। तो अपना नलका था, इससे भर लेते थे, कुछ चिंता नहीं था। वैसे भी आते जाते यहाँ से पिंड वाले पानी भरते, क्योंकि हमारे ये पिंड है ना, इसका पानी ख़राब है। ये सामने चेक कर रहा हमारा सारा, इसका पानी ख़राब है, पानी पीने के लायक नहीं है, ठीक है ना। पानी गंदा है, जो भी है तो बाहर से पानी लेके आते हैं, ठीक है। या हमारे साथ यहाँ पे एक नहर है, नहर से भर के लाते हैं, तो या अपने रकबा में नलके लगवाए हुए हैं। तो यही सीन था कि मैंने भी लगवाया हुआ था कि यहाँ से भर के ले के जाते थे लोग घरों में पानी पीने के लिए। कोई इतना अच्छा इंसान आया कि उसने सारा सामान ही खोल के ले गया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही उसको दोबारा फिट करवाऊँगा। तो भाई पीटर भी इस वजह से मैं घर ले कर जाता था कि इसी डर से ना कि ये भी कोई ना ले जाए, ठीक है। तो ट्रैक्टर का सीन ये था कि पहले मेरे पास ट्रैक्टर था, तो उस वक्त ये प्लाट नहीं था मेरे पास, तो मैंने ट्रैक्टर सेल किया है और कुछ जानवर सेल करके ये प्लाट ख़रीदा है, ठीक है। तो प्लाट ख़रीदा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्रैक्टर भी ख़रीद लूँगा दोबारा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये मैंने प्लाट ख़रीदा था तो ट्रैक्टर सेल कर दिया था, तो इंशाल्लाह ट्रैक्टर दोबारा ख़रीदूँगा। ट्रैक्टर का मुझे बहुत शौक़ है, और वैसे भी ट्रैक्टर ज़मींदारे के लिए बेस्ट होता है। तो हम यहाँ पे आए हैं घास काटने, घास लेने आए हैं जानों का, तो छोटा भाई भी आ रहा है, तो मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, पूरी अपडेट देता रहूँगा आपको काम की भी कैसे होता है। ये सीन था जनाब बोर का, कि मैं पीटर घर क्यों ले जाता हूँ और क्यों ले के आता हूँ। तो मैंने अब छोड़ ही दिया यहीं पे, मैंने कहा देखते हैं फिर, टाइम देता हूँ इसको ना कि कौन ले कर जाता है, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन और तफसील मैं रखूँगा इसको अब, ठीक है। मैं प्लाट, ये मेरा प्लाट है जनाब, आपको बताता चलो। मैंने ये प्लाट लिया था 41 मरले का, यानी कि दो कनाल एक मरला। चलो भाई अपना सामान साथ लें, उसकी खैर है, चलें गिर गई है तो कुछ नहीं होता, चाबी खड़ी रही इसमें कुछ नहीं होता। ये है हमारी बाइक होंडा 125, ये है जनाब मेरे चैनल का, मैंने ना पीछे बैक फट्टी पे नाम भी लिखवाया हुआ है, शेख जी बेस्ट है, और टापे पे भी मैंने लिखवाया हुआ है शेख व्लॉग 96 बाट। चलें जी, ठीक हो गया। ये प्लाट मैंने ख़रीदा था उस वक्त 22 लाख का, मेरे पास ट्रैक्टर था गाजी, तो वो मैंने सेल किया है 11 लाख रुपए का, 7 मॉडल था, सामान सारा लगा हुआ था गाड़ी को, अच्छी गाड़ी थी, क्योंकि शौक के रखी हुई थी, अच्छी तो थी। तो बस ये प्लाट ख़रीदना था, तो कुछ जानवर बेचे हैं, कुछ
ट्रैक्टर के पैसे थे, तो ये प्लाट मैंने खरीदा था उस टाइम 22 लाख रुपए का, ठीक है। इसका मेरा यहाँ से वो बड़ा ये एंगल के सामने, मेरी उंगली के सामने जो निशान नज़र आ रहा है आपको, वो निशान है, और इस तरफ से ये लकड़ी वाला जो खम्भा है इसके साथ है, इस जगह पे है बन्ना मेरा ना। ये सामने वाली ये जो घास की आपको नज़र आ रही है ना, बड़े बड़े बूटे, तो ये बन्ना है, इधर से ये बन्ना है, जहाँ तक आपको हरियाली नज़र आ रही है ऊपर नहीं, यहाँ पे है मिट्टी पड़ी है, टिब्बा पड़ा है रेत का। और सामने मेरी शॉप का नाम लिखा हुआ है लालिसन पेंट स्टोर, ठीक है। तो मैं यहाँ से घास लेता हूँ, तो वीडियो को ज़रा स्पीड मोड पे लगाते हैं ताकि आप भी देखते रहें और मैं अपना काम कर लूँ।
जनाब घास की कटाई कर ली है। काफ़ी देर के बाद डेवो हमारी आ गई है, वो सामने खड़ी, इस पर हम लोड करेंगे और ये कुछ लेके जाएंगे। ये है सरसों, देहाती लोगों को तो पता होगा, ये सामने जो बूटे खड़े हैं ये सरसों के हैं, ठीक है। इससे खालिस सरसों का तेल निकलता है बूटों से, ठीक है ना। तो इसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर इसको हम झाड़ेंगे, झाड़ के इससे दाना होगा वो मशीन पे लेके जाएंगे, उससे फिर तेल निकलेगा सरसों का, ठीक है। हाय, काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी टाइम के बाद सिर्फ 2 मन ही यानी कि ना घास काटा है। ये एक एक मन है, ये एक मन ये है, एक मन वो है, 2 मन है। शेर मेरा आ गया है, शेर मेरा पहुंच गए। जनाब शेर पूरी पूरी ड्यूटी देता है अपने टाइम पे ना। डेवो आ गई है, वो सामने खड़ी है, इस पे हम लोड करेंगे और चलते हैं। काम हो गया हमारा, छोटा भाई लेके जा रहा है रेड़ी, घास काट लिया है, सरसों के चंद बूटे रह गए हैं, ये इंशाल्लाह कल के चक्कर पे चले जाएंगे। तो अब हम भी चलते हैं, लेट हो गया, काफ़ी सारा टाइम हो गया, शहर भी जाना है और क्यों जाना है वो आपको चल के बताते हैं। फ़िलहाल लगाते हैं पंजी को सल्लफ और चलते हैं अपने काम की तरफ। जी जनाब, जानवर शानवर बांध दिए हैं साइड पे, जानवरों का चारा शारा भी लेके आ गया हूँ, फाइनल क्लियर। अब जा रहा हूँ शहर, बिल्कुल अपना ये काम कर लिया कंप्लीट, इनको बांध दिया इधर, और ये खड़ी है अपनी यूरो, और इसको मारते हैं सल्लफ और चलते हैं शहर। और जो मेरे हाथ में ये शापर है, ये कपड़े हैं, ये देने हैं धोबी को, तो चलते हैं शहर की तरफ, रवाना होते हैं। अच्छा मौली, अस्सलाम वालेकुम, रियात है, मिलवे से नहीं तो पहले कल परसों, ठीक ठीक है, अच्छा 200, ठीक जी जनाब। कपड़े दे दिए हैं धोबी को, तो ये काम हो गया, अब जो छोटा मोटा और रहता है वो करते हैं, तो निकलते हैं घर, फिर जाके माल के भी डंगरों के भी करनी है वापस। शहर से वापस आ गए हैं, अब रेस्ट करने लगे हैं, कूलर लगा के अब सोने का टाइम हो गया है, 1 घंटा है, 1 घंटा सोते हैं, इसके बाद फिर जाना है जुम्मा पे, फिर जुम्मा पढ़ेंगे, जुम्मा पढ़ के फिर फ्री है, कोई काम नहीं है, फिर अपना वही जानवरों की देखभाल बस। तो सो हम लगे हैं सोने, रेस्ट के टाइम है हमारा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, कूलर की मज़े की, तो अब सोने का दिल कर रहे हैं। तो बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, सारा कुछ, अब हम सोने लगे हैं। वेलकम बैक, ड्यूटी का टाइम हो गया है, ड्यूटी का टाइम स्टार्ट। मोटर आज भी नहीं मिली हमें, मैकेनिक कहते हैं मोटर आपको कल मिलेगी, तो आज भी मोटर नहीं मिली हमें, तो आज भी हमें ये घास हाथ पे कुतरना पड़ेगा। वो कैसे कुतरते हैं वो हम आपको बताते हैं, ये हाथ में लेनी है और ज़ोर लगाना है, बस ज़ोर लगा मेरा शेर, ज़ोर लगा बस, और कोई काम नहीं है। तो वीडियो को लगा देते हैं हम स्टैंड में और स्पीड मोड पे लगा के वीडियो को शुरू करते हैं अपना काम।
जी जनाब, ये काफ़ी हार्ड वर्क था, काफ़ी मेहनत मशक्क़त होती है यहाँ पे, काफ़ी ज़ोर लगता है, ये काफ़ी हार्ड वर्क था। तो ये हाथ पे जो ये है घास उतरने वाली मशीन, इसको हम यहाँ पे मोटर फिट करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे ना मोटर फिट होती है, यहाँ पे बेल्ट चलता है, ये तो मोटर के साथ काम होता है, ठीक है। तो मोटर हमारी की जो वेल्डिंग है ना वो जल गई है, ये बोर्ड वगैरह हमारे लगे हुए हैं, तो हाथ पे ना ज़ोर लगाना पड़ता है। ये सबसे मुश्किल और हार्ड वर्क काम था, तो रोज़े के साथ ये काम नहीं होता। तो अब ये हरियाली है, और जिसे हम तूड़ी भी कहते हैं और भूसा भी कहते हैं, इसको इसमें मिक्स करके जानवरों को डालेंगे। जेहड़े देहात के रहने वाले लोग होंगे तो उनको तो पता होगा ये कैसे मिक्स होता है, क्या सीन होता है, और जो शहरी हैं उनको नहीं लग सकता, ठीक है। तो हम मिक्स करते हैं, टाइम नहीं है, अजान हो रही है। देख लिया आपने, ये होता है हमारा काम विलेज का, जानवरों की करना काफ़ी हार्ड वर्क होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपने देख ली होगी हमारी आज का काम काज कितना हार्ड है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा होगा, तो काफ़ी हार्ड वर्क होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक कमेंट करना ना भूलें, मेरी वीडियो में कोई इशू आ रहा हो कोई चीज़ की, क्योंकि मेरा दूसरा व्लॉग है आज, ठीक है। तो वो जो डिसमिस कनेक्शन होगा वो भी मुझे आपने कमेंट में बताना है। बाकी जुड़ रही हमारी वीडियो के साथ, वीडियो पूरी वॉच किया करें, हमें इजाज़त, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।